बता क्या हुआ? और बुरके वाली कह रही थी काटो काटो, फिर मैंने उसके जूते देखे। किसके? चंद्रू के। हाय राम, वो गुरुद्वारे वाला चंद्रू? तू वहां से आते हंसती हुई आ रही है, लोग कहेंगे कि तू पागल है। मत जानी, हंस रहे तो घर के अंदर हंस कर। तुम भी तो हंस रही हो। मैं हंस रही हूँ किसी और बात पर, मुझे भी मिले थे वो दोनों सुबह। बन गया ना चोर उसकी नजरों में, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ज्ञानी जी कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बेवकूफ, ज्ञानी जी के ज्ञान झाड़ता रहता है, तब क्यों रोका मुझे? आपने रोकने का मौका कहाँ दिया, सीधा पकड़ कर ले गए और पहना दिया बुरखा। फिर मैं क्या करता? मैं क्या करता? सत्यानाश हो गया, अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा उसे। वैसे ज्ञानी जी ये भी कहते हैं पश्चाताप करके सच्चे दिल से माफी मांगो। तो हमारे कपड़े हमारे, अरे बाऊजी हमारे, और माफी मांगे उससे? बिल्कुल नहीं। पर ज्ञानी जी, बिल्कुल नहीं। तो तुम क्यों हो रहे हो उनके लिए इतना परेशान? हाँ मेरा कोई नहीं ना, ना माँ बाप ना भाई बहन, मुझे अनाथ के लिए वो इतना कुछ करते हैं, कुछ मैं भी तो करूँ। वो बहुत अच्छे हैं नेहा दीदी, और आप भी उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए चुराई थी साड़ियाँ। बिरजू भैया इनको अंदर मत आने देना। तुम यहाँ से हिलना मत। अरे आप यहाँ भी? जी मैं यहाँ भी। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि एक गरीब का सपना पूरा करना कोई पाप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चंद्रू है ना, बहुत गरीब है। बचपन में उसके पिताजी चल बसे थे। ओह। राखी पर अपनी बहन को साड़ी देना चाहता था। अपनी बहन को? जी। आइए अंदर आइए ना। वो क्या है कि मेरे बाबूजी हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन थोड़े कंजूस हैं, मांगने पर हरगिज नहीं देते। इसीलिए आपने सोचा कि एक गरीब का दिल रखने के लिए अपनी ही दुकान से साड़ियां चुरा लें। चुरा ले? जी। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्ञानी जी कहते हैं कि जिस काम से किसी का नुकसान ना हो, दिल ना दुखे, वो चोरी नहीं होती। पर तीन तीन साड़ियां? वो दूसरी चंद्र की माँ के लिए थी, और तीसरी भाभी के लिए है ना? आप सचमुच बहुत समझदार हैं। पर वो सूट का कपड़ा तो मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ, वो दादी के लिए था। अच्छा, वो साड़ी नहीं पहनती ना? आप महान है बिरजू जी, इस मतलबी बेरहम दुनिया में दूसरों के लिए कौन इतना सोचता है। सोचना चाहिए नेहा जी, भक्त कबीर कह गए हैं दुखी इस संसार में। पानी लेंगे आप? मेरे लिए एक ही काफी है। दूसरा इस गरीब के लिए है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, न भाई न बहन। नेहा दीदी को सब पता है, मेरा कोई नहीं सिवाय आपके, मैंने सब कुछ बता दिया। थैंक यू चंद्रू, थैंक यू, अच्छा किया बता दिया। बहुत अच्छा किया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब ग्रहों का चक्कर है। कब है आपका जन्मदिन? कब है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या है? क्या है? क्या लगा था मैं फिर भूल जाऊंगा? है बहक रहे हो क्या? अरे साल के 365 दिनों में से एक दिन तो हमें भी बहकने दो उषा रानी। है अच्छा, देखो सूखी बधाई नहीं दे रहा हूँ, ये देखो क्या लेकर आया हूँ, देख तो लो। अरे ये किसके लिए? उसके लिए जिसका जन्मदिन है आज। किसका जन्मदिन है? मेरा तो है नहीं, राम कुमार का भी नहीं है, और ब्रज कुमार का भी नहीं है। अरे तो फिर किसका जन्मदिन है? तुम्हारा। माँ तुम्हारा, तुम भी बाबूजी की तरह भुलक्कड़ हो गई हो।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माँ, कह दो कि तुम्हारा जन्मदिन है वरना पिटाई हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे उषा। छोड़ो क्या तुम भी, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा, तुम कितने अच्छे हो। या जी आप यहाँ पे जी, लाइए मैं पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू। वो कल आपके जन्मदिन पर मैं कोई उपहार नहीं दे सका ना, तो ये लीजिए हैप्पी बर्थडे। अब ये कहाँ से चुराया? चुराया? ये तो मैं गुलाब की शाख से पूछ कर लाया हूँ। लेकिन अगर ये फूल देंगे तो बाकी के फूल माफ करेंगे आपको? ना करें, पर मुझे तो वही फूल चाहिए था ना जो सबसे प्यारा हो, सबसे हसीन, सबसे नाजुक, आपकी तरह, जो जहां भी जाए महकता रहे, महकता। सुनिए सुनिए, कहिए ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दो घंटे लगाता हूँ फूल चुनने में और उसे ही पोस्ट कर देता हूँ। आपको पहली बारी देखता हूँ तो पानी में गिर जाता हूँ। ऐसा आपके साथ क्यों नहीं होता कभी? हाँ क्या, कि आप पानी में गिरे और मैं हंसूं, कि आप बारिश में भीगे और चाहता मेरे पास हो, कि मैं आपसे दूर भागूं और आप आए मेरे करीब। जो गलती की उसे दोहराऊंगा नहीं। आज फूल और खत दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। जो बात कल मेरा फूल नहीं कह पाया वो आज ये खत कहेगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नेहा। अगर तुमने फूल रख लिया तो मैं समझ लूंगा कि मैं भी तुम्हें। किसने दिया? श्रीमान बिरजू जी, जानकर खुशी हुई कि हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं सबके सामने। अब ये तो आपसे होगा नहीं, इसलिए ये फूल आप ही रख लें। जय लक्ष्मी माता। ले बेटा। सेठ सुखराम जी के पैसे? कभी अकल की बात मत करना हैं? पर्ची लगी हमारे नाम की और पैसे हो गए सुखराम के? अरे मूर्ख, कितनी बार तुझे समझाया है कि जहां ये पर्ची लगी वहां लक्ष्मी अपनी हुई। ले बेटा। बाबूजी पैरी पहना। क्यों भाई, ये सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी हो रही है? वो गुरुद्वारा जाना ना बाबूजी, शब्द कीर्तन का समय हो रहा है। शब्द कीर्तन? भाई तू कब से सत्संग में जाने लगा है? जब से माँ के साथ पूजा पर गया हूँ मेरी तो जिंदगी बदल गई। अच्छा अच्छा, तो हमें भी तो पता लगे ऐसा क्या चमत्कार हो गया। वो कहा था ना मैंने आपसे, झील के किनारे देवी के दर्शन क्या हुए, पड़ता ही हट गया। उस रोशनी में देख बेटा बिरजू, देख मेरी बात सुन,
इस उम्र में इतना धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बाऊजी इसी उम्र में जरूरत है। शबद कीर्तन में गया ये? हाँ तो अच्छा ही है ना। अच्छा नहीं है उषा रानी, ये बदमाशी करता है तो हद दर्जे की, और सत्संग में चला गया तो साधु हो जाएगा एक दिन। मैं तो कहती हूँ शादी करवा दो इसकी। शादी क्या तेरी नहीं हुई थी है? सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रया पर पूरे बिणवत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। माफ करना ज्ञानी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपं गुर प्रसाद जप। बाबा जी ये मुंडा कुछ कहना चाहता जी, आप जी दी परमिशन होए ता कहन दो कहन दो। आ जा बैठ। ये लो कह लो। मैंने जिंदगी में गलतियां तो बहुत की हैं, पर माफी कभी नहीं मांगी। लेकिन अब किसी ने मुझे अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा अच्छा इंसान वही है जो सच्चाई और ईमानदारी से सबके सामने अपनी गलती कबूल करने की हिम्मत रखता हो। आज प्यार में अंधा होकर मैंने जो जो गलतियां की हैं। वो सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान की शरण में आ गए हो समझो, उसने माफ कर दिया। हाँ जी भगवान ने तो माफ कर दिया, लेकिन अब मैं उस इंसान के पास जाके माफी मांगना चाहता हूँ जिसने मुझे ज्ञान की रोशनी दी। ठीक है ठीक है। मैं कल सुबह 8 बजे उनके वहां पहुंच जाऊंगा। माँ माँ कहाँ जा रही हूँ? माँ मत जा। माँ स्कूल जा रही हूँ, रोज जहाँ जाती हूँ। 8 बज गए ना? माँ नहीं। माँ क्या हुआ जल्दी से पूछ। मैं क्या कहूँ? वही जो कल रात से कहने की कोशिश कर रही है। अच्छा इधर आ बैठ। मैं कौन हूँ तेरी? माँ हूँ ना। मुझे तेरे चेहरे से ना सब कुछ पता चल जाता है, कब मेरी बेटी खुश है कब उदास है, और आज तो वो बड़ी उलझन में है। माँ उलझन तो है, अगर वो सचमुच आ गया तो मैं क्या कहूँ? अब तुझे क्या कहना है ये तो तुझे ही तय करना है ना नेहा। माँ देख ये हक मुझे भी मेरी माँ ने दिया था। पहचानती है ना, जब तू छोटी थी हमेशा अपने पापा की उंगली से खींचा करती थी, और वो हंसकर कहते थे दे दूंगा तुझे जब तू बड़ी होगी उसके लिए जिसे तू पसंद करेगी। देख अब तेरी बारी है, फैसला तुझे करना है। मुझे बस इतना बता देना ये कब देना है। बस अब मैं चली, देर हो रही है। वैसे एक बात बताऊं, वो लड़का मुझे भी प्यारा लगता है, थोड़ा सा बुद्धू है बस। 8 बज गए। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना मैं 8 बजे आ जाऊंगा, सो आ गया। अच्छा क्या अब जाओ? अरे खत में तो तुमने लिखा था कि सबके सामने माफी मांगूंगा, तो माफ कर दोगी? माफ क्या, देखो नीचे मत आना। माफ कर दिया? हाँ कर दिया। बस और क्या? तो एक और काम करोगी प्लीज? क्या करूं?